मोदी सरकार को कभी आर्थिक मोर्चे, कभी नोटबंदी तो कभी जीएसटी पर कोसने वाले पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने आज बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। बगावत का बिगुल बजाने के बाद उन्होंने खुद को पार्टी से अलग कर लिया है। यशवंत सिन्हा ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान करने के साथ साथ पीएम मोदी को जमकर खरी खोटी सुनाई। बजट सत्र में हंगामे से लेकर कैश की किल्लत तक के लिए उन्होंने पीएम मोदी को जिम्मेदार बताया है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में पूर्व वित्त मंत्री की भूमिका निभाने वाले यशवंत सिन्हा पिछले काफी वक्त से ही मोदी सरकार की मुखालफत कर रहे थे। नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक उन्होंने अपनी ही सरकार को जमकर कोसा। ऐसा कोई मुद्दा नहीं बचा जिस पर उन्होंने विपक्ष के सुर में सुर ना मिलाए हो। यहाँ तक कि उन्होंने मोदी सरकार की आलोचना करने के लिए बगावती मंच भी तैयार किया, जहाँ से वो अक्सर पीएम मोदी पर जुबानी वार करते हैं। लेकिन आज तो वो बगावती तेवर अख्तियार करने के साथ साथ सच में पार्टी के लिए बेगाने बन गए। यशवंत सिन्हा ने पीएम मोदी पर ताबड़तोड़ वार करते हुए आज पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी छोड़ रहा हूं। 4 साल पहले चुनावी राजनीति से संन्यास लिया था, अब दलगत राजनीति से संन्यास ले रहा हूं। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में बीजेपी काफी बदल गई, मोदी सरकार की खराब नीयत ने इसे बर्बाद कर दिया। सदन में हंगामे को लेकर मोदी सरकार पर बरसते हुए सिन्हा ने कहा कि लोकसभा में लोकतंत्र का मजाक बनाया गया, बजट सत्र में गतिरोध केंद्र की ही साजिश थी, आज देश में लोकतंत्र को खतरा है। उन्होंने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र बचाने के लिए आंदोलन करूंगा। जब सिन्हा मोदी सरकार पर बरस रहे थे तब शत्रुघ्न सिन्हा भी उनके साथ मौजूद थे। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगला नंबर बीजेपी के शत्रु का हो सकता है। अगर शत्रुघ्न सिन्हा ने भी पार्टी छोड़ दी तो वाकई चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।